हेलो मेरे दोस्तों, आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने रिसेंटली होम लोन के लिए अप्लाई किया। अब वो काफी खुश था कि उसे तो लोन इजीली मिल जाएगा, एस उसकी मंथली इनकम काफी अच्छी है। वो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट टाइम से करता है और उसकी कार लोन की ईएमआई पे भी उसने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। आदित्य का नेचर काफी फ्रेंडली है और वो लोगों की हेल्प करने में मानता है, और शायद इसी हम्बल और फ्रेंडली नेचर के हिसाब से उसकी होम लोन रिजेक्ट हो गई। अब बैंक वालों को उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो लेना देना था उसकी लोन एलिजिबिलिटी और सिविल स्कोर से, और ये दोनों चीज वो मीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी तो मैंने कहा कि उसकी इनकम अच्छी थी, तो लोन रिजेक्ट होने का रीजन क्या हो सकता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड। कुछ महीनों पहले आदित्य के कजिन रंजीत ने कार लोन अप्लाई किया था और उसने आदित्य से कहा कि बैंक वालों को लोन के लिए रेफरेंस चाहिए, और बस आदित्य ने पेपर्स साइन कर दिए। अब उस समय उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या गलती कर रहा है, और अब जब आदित्य ने होम लोन के लिए अप्लाई किया तब उसे पता चला कि वो उसके भाई की कार लोन का गारंटर है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि गारंटर कौन होता है और कैसे गारंटर होना आदित्य के होम लोन रिजेक्ट होने का कारण बना। तो दोस्तों, गारंटर वो इंसान होता है जो लीगली ये अग्री करता है कि अगर लोन लेने वाला इंसान लोन की ईएमआई नहीं पे कर पाता तो एज अ गारंटर वो उस लोन की ईएमआई पे करेगा। अब शायद आदित्य को तो गारंटर का मतलब तक नहीं पता था, लेकिन आदित्य के कजिन का जॉब लॉस होने के कारण उसने कार लोन की ईएमआई भरना बंद कर दिया था, और गारंटर होने के कारण आदित्य के सिबिल स्कोर पे ये बताया जा रहा था कि वो डिफॉल्टर है कार लोन का, और कार के लोन की अमाउंट आदित्य के लोन की एलिजिबिलिटी पे इम्पैक्ट कर रही थी, यानी उसके होम लोन की एलिजिबिलिटी भी कम हो चुकी थी। बेचारे आदित्य का इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी सही फाइनेंशियल अवेयरनेस ना होने के कारण उसका सिबिल स्कोर खराब हो चुका था और लीगली वो एक डिफॉल्टर बन चुका था, और उसका होम लोन लेकर घर बनाने का सपना टूट चुका था। अब आदित्य उसके कजिन को मना नहीं कर पाया रिश्ता संभालने के चक्कर में। एंड आई एम श्योर कि अगर आपका कोई भाई, बहन या कोई भी रिश्तेदार आपको गारंटर बनने के लिए कहता है तो आप उसे मना नहीं कर पाओगे, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे अगर लोन की ईएमआई पे डिफॉल्ट हुआ तो कौन जिम्मेदार है, क्या गारंटर बनने पे मेरी लोन एलिजिबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा, लोन डिफॉल्ट होने पे क्या मेरा सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होगा, अगर मुझे इस गारंटी से बीच में बाहर निकलना है तो क्या मैं निकल पाऊंगा, और अगर गारंटर बनना ही है तो लोन लेने वाले की सिबिल रिपोर्ट चेक कीजिए, उससे अंदाजा आ जाएगा आपको कि वो इंसान भरोसा करने लायक है या नहीं। और प्लीज कोई भी डॉक्यूमेंट्स साइन करने से पहले एक बार जरूर लीजिए, और अगर आप गारंटर बनने की गलती ऑलरेडी कर चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको पता हो जिस लोन के आप गारंटर हो उसकी ईएमआई रेगुलरली पे हो रही है या नहीं। मैं पर्सनली ये एडवाइस देता हूँ कि अगर लोन आपकी वाइफ या बच्चों के लिए है तो गारंटर बनिए, वरना किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लेकर इतनी बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि अगर लोन लेने वाला किसी कारण से गुजर जाता है तभी भी गारंटर को ही पैसे भरने पड़ते हैं? क्या आप किसी के लोन के गारंटर है और कभी खराब एक्सपीरियंस हुआ है तो शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे जरूर, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज अभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को गारंटर का मतलब बताइए इस वीडियो को शेयर करके, क्या पता शायद आप किसी को जाने में ही सही हेल्प कर दे। मैं ऐसे और भी फाइनेंशियल विजडम वाले वीडियोस बनाता हूँ जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपकी हेल्प करेंगे, आप उन्हें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको मेरे हर अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।